हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके एंड लेट्स वी हैव स्टडी अबाउट नाउ टुडे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के उपयोग के ऊपर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू वाले घंटी बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको मेरे अगले वीडियो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज की स्टडी। आज मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो नाउ ए डेज वी नो दैट कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल इन वेरियस एरियाज एंड कंप्यूटर इज ऑल्सो ए वर्सेटाइल मशीन। कंप्यूटर का उपयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे जटिल कार्यों के लिए, सरल कार्यों के लिए और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको कंप्यूटर के उपयोग के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर का पहला उपयोग होता है दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग में। सबसे पहला वर्ड आया डेटा प्रोसेसिंग। मैंने अपने इस चैनल पर पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया है डेटा क्या है। डेटा जो होता है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। डेटा जो होता है वो अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। तो कंप्यूटर का पहला उपयोग है डेटा प्रोसेसिंग, मतलब कि बड़े बड़े कार्यालयों में, जहां पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैंने उज्जैन यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है, तो वहां पर जो हमारा एग्जाम कंट्रोलर डिपार्टमेंट था वहां पर जो हमारा रिजल्ट बनता था, तो हमारे डेटा की क्या होती थी, डेटा प्रोसेसिंग होती थी और हमारे हर सेमेस्टर के रिजल्ट आते थे हर ब्रांच के, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इंजीनियरिंग। पांच इंजीनियरिंग ब्रांच है गवर्नमेंट उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स की डेटा प्रोसेसिंग होती थी और उनका सेमेस्टर वाइज प्रत्येक सेमेस्टर के विद्यार्थियों का रिजल्ट आता था। यानी कि किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी में जब बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा होता है, उसकी हमको फाइनल रिपोर्ट तैयार करना होता है, तो वहां पर क्या होती है, डेटा प्रोसेसिंग होती है। और डेटा प्रोसेसिंग के कार्य को करने का काम जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। यानी कि बड़े बड़े स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में और बड़ी बड़ी कंपनियों में जो अव्यवस्थित डेटा होता है उसको प्रोसेस करके जो यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम है वो कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। ये कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। अगर डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर की सहायता से संभव नहीं होती तो हमारी यूनिवर्सिटी में कम से कम 3-4 हजार स्टूडेंट पढ़ाई करते थे, पूरा रिजल्ट बनने में 6 महीना लग जाता, लेकिन कंप्यूटर की सहायता से बनने के कारण 1 महीने में रिजल्ट आ जाता था। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों कंप्यूटर के दूसरे उपयोग की, सूचना का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सूचना का आदान प्रदान, नाउ ए डेज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी फास्ट बाय यूजफुल ऑफ इंटरनेट। वर्तमान समय में सूचना का आदान प्रदान जो है वो इंटरनेट के उपयोग के कारण और कंप्यूटर के उपयोग के कारण बहुत ही फास्ट हो गया है। अगर आपको अभी अपने किसी फ्रेंड को अपने डॉक्यूमेंट्स के क्या भिजवाना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स भिजवाना है, तो आप जो है अपने मोबाइल को ओपन करेंगे, उसमें पीडीएफ स्कैनर की सहायता से पीडीएफ बनाकर व्हाट्सअप कर देंगे, 2 मिनट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट भोपाल पहुंच जाएंगे। लेकिन पहले के समय में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, यानी कि कंप्यूटर से सूचनाओं का तीव्रता से आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों कंप्यूटर ने बहुत ही ज्यादा उपलब्धियों को हासिल किया है। द एजुकेशन फील्ड द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस्ड। नाउ ए डेज वी हैव वॉचिंग वेरियस वीडियोस ऑन यूट्यूब। वर्तमान समय में जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हम इस भारत देश के महान शिक्षक खान सर को देख सकते हैं फ्री में, ठीक है दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर ने इतना विकास कर लिया है कि हम ऐसे बहुत ही ज्ञानवान टीचर्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य बहुत से टीचर है यूट्यूब पर और आप मुझे भी पढ़ सकते हैं, मैं भी कोई खान सर से कम नहीं हूं, बालाघाट का खान सर हूं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान। तो वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, तो दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने बहुत ज्यादा कार्य किए हैं। वर्तमान समय में जो है जो वैज्ञानिक लोग होते हैं जो अपनी साइंटिफिक रिसर्च करते हैं वो उसे अपने कंप्यूटर पर क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो अपने पूरे रिसर्च पेपर को अपने कंप्यूटर पर एक्सेल फाइल के रूप में या वर्ड फाइल के रूप में या डेटा फाइल के रूप में अरेंज करके रख सकते हैं और अपने जो है अनुसंधान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर अपने रिसर्च पेपर या जो थेसिस होती है वो अपने लैपटॉप पर स्टोर रखते हैं। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों रेलवे व वायुयान आरक्षण में। तो रेलवे और वायुयान आरक्षण के क्षेत्र में भी
कंप्यूटर का उपयोग जो है किया जाता है, एप्लीकेशन का मतलब उपयोग किया जाता है, आप जो है घर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से रेलवे और वायुयान का आरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट उपयोग होता है बैंक में। दोस्तों आप लोग बैंक में गए होंगे, देखे होंगे सारे लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं। पहले के समय में आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जब हम पहले के समय में जाते थे आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले, ठीक है दोस्तों, तो हमको वहां पे कई सारे बाबू इंप्लॉय कर्मचारी दिखाई देते थे। वर्तमान समय में जाओगे तो बैंक में 20 से ऊपर इंप्लॉय नहीं मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि सारा काम कंप्यूटरों से हो जाता है। तो बैंक में कंप्यूटर का उपयोग बहुत ही तीव्रता से किया जाता है, चेक क्लियरेंस तो पेमेंट तो ब्याज तो ऋण तो क्रेडिट तो डेबिट तो पेबिट पूरे चीज बैंक में कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। तो बहुत ईजी हो गया है बैंकिंग वर्तमान समय में, आप जो है बैंकिंग के क्षेत्र में ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, सारा काम कंप्यूटरों की सहायता से किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन आप कंप्यूटर में बैंकों में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। द अबंडेंट यूज ऑफ कंप्यूटर इन ए बैंकिंग सेक्टर नाउवेडेज। आगे बात करेंगे चिकित्सा। दोस्तों मेडिकल साइंस में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज्यादा किया जा रहा है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे सीटी स्कैन जितने भी सोनोग्राफी है, सारी जो भी जांचें की जाती है वो सारी कंप्यूटर की सहायता से की जाती है और इसमें हम एग्जैक्ट परिणाम निकाल सकते हैं। अगर आपको कंधे में चोट लग गई तो उसका एक्सरे निकाल लीजिए, अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप पेट की सोनोग्राफी करवा लीजिए, या कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई उसे अपने बच्चे की लोकेशन को जानना है, उसकी पोजीशन को जानना है तो उसके लिए भी सोनोग्राफी करवा सकते हैं। तो ये वेरियस यूज होते हैं दोस्तों कंप्यूटर के मेडिकल साइंस में। इसके बाद में हम बात करेंगे रक्षा डिफेंस। तो डिफेंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, काफी बड़ा देश है, हमारे देश की स्थलीय सीमा काफी बड़ी है। तो दोस्तों डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है वर्तमान समय में, रडार सिस्टम में, मिसाइल लॉन्चिंग में, और सेनाओं को तीव्रता से संदेश भेजने के लिए या सेना की कमांडिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, इन सभी कार्यों में जो है डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग बहुत अच्छे से किया जा रहा है। इसके बाद में हम बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर का उपयोग जो है बहुत अच्छे से किया जा रहा है। हमारे देश में एक संगठन है दोस्तों जिसका नाम है इसरो, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछा जाता है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा इसरो। इसरो भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है जो क्या करता है, मिसाइलों को निर्माण करता है, लॉन्च करता है और उसमें मदद करता है। वैसे ही एक और है आपका जिसका नाम है भाभा, जिसको हम बोलते हैं बार्क। बार्क का पूरा नाम है दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इस भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम जहांगीर होमी भाभा के नाम पर रखा गया है, और जहांगीर होमी भाभा जो थे भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर कंप्यूटर का बहुत अच्छे यूज किया जाता है, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत अच्छे किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे संचार या कम्युनिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पीपल्स आर मोर देन टू पीपल्स, मतलब कि द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज बिटवीन टू आर मोर देन पीपल्स इज नोन एज ए कम्युनिकेशन। एंड सिंपली वर्ड्स वी कैन से दैट द कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर डिवाइसेस या लोगों के बीच में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे कम्युनिकेशन या संचार कहा जाता है। और भारत में संचार क्रांति का जनक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी को सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने ही भारत में सूचना क्रांति को लाया था। और आज हमारे देश में लोग जो है छोटा छोटा बच्चा कंप्यूटर की स्टडी कर रहा है, तो वो सूचना क्रांति के जनक जो है भारत में राजीव गांधी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में। तो संचार के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर की सहायता से फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, और वेरियस कम्युनिकेशन वाले एप्लीकेशन को चलाकर हम वॉइस चैट वीडियो चैट करके कंप्यूटर की सहायता से कम्युनिकेशन या संचार कर सकते हैं। वर्तमान समय में पिछले समय में हमने देखा है कोरोना लॉकडाउन का समय चला है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ऑनलाइन मीटिंग की, बहुत ऑनलाइन मीटिंग की। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब हम मनोरंजन की। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से हम जो है यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको
क्या नाम है उसका। तो दोस्तों हम जो है इंटरनेट पर जो है मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर की सहायता से नेटफ्लिक्स पर मूवी देख सकते हैं, हॉटस्टार पर मूवी देख सकते हैं। और ज्यादा मनोरंजन नहीं करना है दोस्तों, पढ़ाई भी करना है क्योंकि सीपीसी टिक रैक करना है, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रकाशन के क्षेत्र में। तो वर्तमान समय में जो बुक्स छपती है या जो वरियस पेपर छपते हैं या फिर आपके जो मैप्स बनते हैं या नोट्स बनती है, वो सारे जो पब्लिकेशन का काम होता है, जो बैनर बनते हैं बड़े बड़े, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स बनती है, वो सारी जो उनका जो प्रकाशन का कार्य है यानी उनका जो प्रिंटिंग का काम है, वो जो है कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। और कंप्यूटर जो है वो बहुत ही अच्छी डिवाइस होती है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन। तो वर्तमान समय में जो है सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, आपकी मंडियां ऑनलाइन हो गई है, सारे थाने ऑनलाइन हो गए हैं, और सारे हॉस्पिटल्स ऑनलाइन हो गए हैं, और सारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए हैं। सारी जानकारियां जो है वो तुरंत ही पोर्टल पर डाल दी जाती है, और सारे ग्राम पंचायत ऑनलाइन हो चुके हैं। तो ये पर प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है। द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज द वाइटल रोल प्लेइंग इन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर। नाउएडेज वी कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू आवर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स लाइक एज भोपाल वल्लभ भवन, ठीक है। तो वर्तमान समय में जो है हम अपनी सूचनाओं को तीव्रता से अपने प्रादेशिक केंद्रों पर पहुंचा सकते हैं और प्रशासन को इफिशियंट बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उद्योग एवं व्यापार। दोस्तों उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुत आसानी से किया जा रहा है। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री, तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहां पर जो बहुत सारा माल बनता है, तो उसकी सारी जो मैनेजमेंट का कार्य होता है वो कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी। तो दोस्तों ये लास्ट उपयोग है कंप्यूटर का। वर्तमान समय में जो है डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी नोट्स और बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है। आप जो है अगर आपको प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ना है तो आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अब उपन्यास खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज आपको कंप्यूटर के सारे वरियस उपयोग बताया है, और इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर के इसके बाद वाले लेक्चर में आगे का पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा। अभी शुरुआत में बेसिक है, हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन आगे हम गहराइयों में जाकर पढ़ेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों।